हाँ जी सारे भैया ने, राम राम भाई। मैं इस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, इन दोनों के बीच में एक पार्क है। यहाँ पे आने का मेरा मतलब था कि मैं यहाँ के कुछ और बॉयज़ एंड गर्ल्स की कुछ वीडियो बनाता, कुछ फ़नी सी। लेकिन एक सीन देखा मैंने यहाँ पर जो कि सारी चीज़ों को फेल करता है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, बड़े बड़े फॉर्म्स, मेरे को वो नहीं दिखे, कुछ और चीज़ें दिखाए। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ें। ये हमारे एक भाई बैठे हैं और देखो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सीरियसली यार, कई बार है ना इतना महसूस होता है, बस कोई वर्ड नहीं मिलता यार बताने के लिए। देखो मैं दिखाता हूँ, ये छोटा सा बेटा। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सनी। क्या नाम है? सनी। सनी नाम आपका? बेटा आपका क्या नाम है? प्रार्थना। हैं? प्रार्थना। ओके, आपका क्या नाम बेटा? ए गुड़िया। कविता। कविता, अपना अपना नाम बताइए बेटा सारे। आपका क्या नाम बेटा? पुष्पेंद्र। हाँ जी, नाम बताइए अपना। शर्मन। ये सूरज। ये राधिका। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर काउंटिंग लिख रहे हैं, कोई टेबल लिख रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब फ़ोन आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आने ही देते हैं हम अभी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई साहब, क्या कुछ सोच के आप ये काम कर रहे हैं? आप ही कर रहे हो? हाँ जी, हम ये काम कर रहे हैं, हमारी टीम है। अच्छा, 10-12 स्टूडेंट्स हैं हम। अच्छा अच्छा जी। हाँ, अब तो 15 हो गए हैं। तो हम ये काम कर रहे हैं, हम काफ़ी दिन से, 1.5 साल हो गया हमें। तो हम ये जगह जगह जहाँ भी हमें झुग्गी झोपड़ी मिलती है या फिर ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या चाय की टपरी पे, स्टेशन पे भीख मांगते हुए जो बच्चे देखे हों, तो हम उन सबको शिक्षा देना हमारा मेन मोटो है। मतलब इसके सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलती नहीं? सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है इसकी, इसको हम अपने बेस पे चला रहे हैं। हाँ जी, ये टोटल अपने खर्चे पे है, अब चलता है। अपने इस एनजीओ का कोई नाम वाम है क्या? हाँ जी, ये एनजीओ अभी रजिस्टर्ड तो नहीं है, इसका नाम हमने सीता का स्कूल दिया हुआ है। क्योंकि हमारे पास जो हमने जब स्टार्ट किया था ये हमने किया था सिर्फ 5-6 बच्चों से। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक बहुत ही छोटी बच्ची थी, उसका नाम था सीता, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको। तो हमने इस स्कूल का नाम ही सीता का स्कूल के नाम से खोला इसको, और आज हमारे पास 250 बच्चे हैं, काफ़ी जगह चला हुआ है। अच्छा। यहाँ कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी यहाँ टैगोर हॉस्टल है, उसके पीछे थीम पार्क है पनोरमा के पास वहाँ, और यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास। हेड कौन है भाई जी? भाई हेड तो बस मैं ही करता हूँ यहाँ सारा काम। अच्छा। हाँ जी, आप अपना एक बार मोबाइल नंबर दे दो। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7408-38531। नाम मेरा सद्दाम हुसैन है। अच्छा अच्छा जी। और मैं MSc जूलॉजी पास आउट हूँ, BEd पास आउट हूँ। एक बार और दे दीजिए नंबर अपना। जी, नंबर मेरा 7408-38531। देखो जी, हमारे सद्दाम भाई जी कितना मेहनत से, और देखो छोटे छोटे बच्चे, इनसे सद्दाम जी क्या लोगों से प्रॉफिट लेंगे? ये सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं। ब्लेसिंग ही चाहिए बस आप जैसे भाइयों की, सभी की, क्योंकि ब्लेसिंग से ही काम होता है। ये टोटल जो काम है ये दिल का काम है, दिल का काम है। हम दिल से काम करते हैं इनके लिए, और इनके लिए कपड़े, जितना भी स्टेशनरी होता है सभी हम इनको प्रोवाइड करते हैं, जूते चप्पल से लेके इनका हर एक चीज़। बस खाने का मम्मी पापा करते हैं, और सारा काम हमारा ही होता है इनका। हमारा बस मेन ये है कि हम दिल से, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है काम करके। भाई देखो, मैं तो कोई ज़्यादा हेल्प कर नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन यार कोई मैं मोटी पार्टी नहीं हूँ, अगर होता तो डेफिनेटली मैं कुछ कर पाता, लेकिन जितनी भी मेरी पॉकेट अलाउ करती है मैं कुछ देके जरूर जाऊँगा। सच में यार, अगर तुम जो भी यहाँ पर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी भाई, नंबर उस भाई ने दे दिया है, मैं एक संदेश आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप कोई हेल्प कर सको किसी भी लेवल पर तो ज़रूर करें। मेरा नाम है जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे थे। तो कोई भी हेल्प ज़रूर करें, भाई से मिलें। धन्यवाद भाई। राम राम।